चैप्टर 11 इंडियन जुडिशियरी, ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की तीन टाइप की ज्यूरिसडिक्शन होती है, एक तो ओरिजिनल, सेकेंड एपेलेट एंड थर्ड एडवाइजरी। उसमें से ओरिजिनल एंड एपेलेट हो चुका था, अब हम देखेंगे थर्ड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट एनी पर्टिकुलर मैटर और क्वेश्चन होल्ड इम्पोर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक वेलफेयर, देन द प्रेसिडेंट कैन टेक अ काउंसल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय सेंडिंग द मैटर ऑफ क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर कंसीडरेशन। मतलब कि गवर्नमेंट में कोई मुद्दा आता है कि जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट को ही वो मैटर सोल्व करनी है, कोर्ट तक ले जाने की जरूरत नहीं है, बट वो पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड है, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है, और अगर कोई सॉल्यूशन ढंग से ना मिले तो सिर्फ एडवाइस देने के लिए प्रिंसिपल वो हमारे प्रेसिडेंट है उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वो क्या लेते हैं, सिर्फ एडवाइस लेते हैं, इसीलिए एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। नाउ अंडर दिस प्रोविजन द प्रेसिडेंट कैन अवेल काउंसल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन द क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू लॉ रियलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और रिलेवेंसी ऑफ द बिल, बट इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स इट अननेसेसरी टू कंसिडर और गिव ओपिनियन ऑन द सेंट मैटर, इट कैन सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि इस मैटर में कोर्ट की एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है और हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, तो वो मैटर का आंसर देने बिना ही वो प्रेसिडेंट को वापस भेज सकती है, ठीक है। एंड इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू फॉलो द एडवाइस और काउंसल गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवाइस दी भी, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि नहीं ये एडवाइस लेने लायक नहीं है, तो वो फॉलो ना भी करे तो भी चले, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। कुछ एडवाइस के लिए वहां पर कोई मैटर भेजी और सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी तो उस एडवाइस को फॉलो करना दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर दी प्रेसिडेंट, ठीक है। सिर्फ एडवाइस लेने के लिए भेज सकते हैं, अगर अच्छी लगी तो फॉलो करना है, अदरवाइज नहीं। क्लियर नाउ अदर पावर्स, सुप्रीम कोर्ट के और कौन कौन से पावर्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मैटर पर कोई भी अपना डिसीजन लिया है, अगर लोगों को अच्छा ना लगे तो वो रिव्यू के लिए भी बोल सकते हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए फैसले पर, अपने ही दिए हुए जजमेंट पर रिव्यू कर सकते हैं, मतलब फिर से सोच सकते हैं कि इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है या नहीं। द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू नलीफाई एनी स्टेप्स लॉ टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इफ इट वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव और ज्यूरिसडिक्शन, हमारी तीन पार्ट है ना, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के तीन पार्ट है, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूशन और ज्यूडिशियरी। तो एग्जीक्यूटिव मतलब कि मंत्री वगैरह लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है, ठीक है, वो उन्हें ठीक ना लगे तो वो डिसीजन को वो चेंज भी कर सकती है, ठीक है। दिस राइट हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। सुप्रीम कोर्ट इज दस द गार्डियन एंड सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी और सिटीजन्स के राइट्स और रूल्स को भी सेव करता। नाउ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो छोटी छोटी कोर्ट्स आती हो वो, जैसे कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, वो हो गए, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होल्ड्स एन एविडेंशियल वैल्यू एंड व्हेन एनी रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कोर्ट आर प्रेजेंटेड नो ऑब्जेक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट इट। अगर वेन एनी रिकॉर्ड फ्रॉम द कोर्ट आर प्रेजेंटेड, ठीक है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है उसे पनिशमेंट मिला और वो रिकॉर्ड के आधार पर पनिशमेंट मिलता है, मतलब कि हम बोलते हैं ना सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, मतलब कि पूरे रिकॉर्ड अवेलेबल हो कि क्राइम किसी ने ही किया है, तो फिर उसे कोई ओपोज नहीं कर सकता, ठीक है ना। नो ऑब्जेक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट
इट द जजमेंट्स एंड डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंसिडर्ड एज परमानेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो वो फाइनल एंड परमानेंट डिसीजन माना जाएगा और कोई भी उसका अपोज नहीं कर सकता। दे आर यूज्ड एज रेफरेंसेस बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बाय गिविंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस। उसके अंडर जो भी कोर्ट आती है वो उनके जजमेंट और उनके डिसीजंस को एज अ रेफरेंस लेकर अपना काम करती है। नीचे वाली जो भी कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितनी भी कोर्ट आती है, वो सारी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, जो डिसीजंस आगे के केसेस में उन्होंने जो लिए है कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर, ठीक है, उसको एज अ रेफरेंस वो सारी कोर्ट यूज कर सकती है। एनी कोर्ट शोविंग इट्स कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल कैन बी पनिश्ड। अगर कोई और कोर्ट इसका डिसअप्रूवल करे तो कोर्ट को भी पनिश किया जा सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट वन ऑफ द की पोजिशंस इन द कंटिन्यूअस हायरार्की पिरामिड ऑफ द इंडियन जुडिशियरी इज ऑक्यूपाइड एट द स्टेट लेवल बाय द हाई कोर्ट्स, ठीक है। स्टेट लेवल पर हमारी इंडियन हायरार्की को देखें तो बेस में क्या होता है, हमने यहाँ पर शुरू में चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था ना, ट्रायल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट एंड फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो स्टेट लेवल पर, हायर लेवल पर सबसे कौन सी है इंडियन हायरार्की में, हाई कोर्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट एट स्टेट लेवल। नेशनल लेवल पर एपेक्स कोर्ट कौन सी होगी, सुप्रीम कोर्ट, जबकि स्टेट लेवल पर एपेक्स कोर्ट बोले तो कौन सी होगी, हाई कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स वन हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू फॉर्म वन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट। छोटे छोटे दो तीन स्टेट है तो हर एक में हाई कोर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो दो तीन स्टेट के बीच में एक हाई कोर्ट हो तो भी चलेगा। इन इंडिया देर इज वन कॉमन हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। तीनों बाजू बाजू में ही है ना, और हरियाणा और चंडीगढ़ तो कैसे है, छोटे छोटे। चंडीगढ़ क्या है, स्टेट नहीं है, क्या है, नेशनल टेरिटरी है। चंडीगढ़ क्या है, नेशनल टेरिटरी है, और हरियाणा छोटा सा स्टेट है, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की कॉमन एक ही हाई कोर्ट है। सिमिलरली अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ असम फॉल्स द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। कितने स्टेट की एक साथ है, देखो आसाम के साथ साथ मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इतने सारे स्टेट की एक ही हाई कोर्ट है। मतलब क्या, ईस्ट इंडिया सारा ले लो, ईस्ट इंडिया सारा ले लो, सारे स्टेट एक ही हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, वेस्ट बंगाल को छोड़कर, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन, हाईकोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसे कैसे अपॉइंट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और किसी भी स्टेट के गवर्नर को कंसिडर करकर, उनकी राय लेकर, हम बोलते हैं ना उनसे राय लेना, उनसे रेफरेंस लेकर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का लगाया जाता है। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अ प्रेसिडेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड हैज ओनली प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ओनली आफ्टर डिस्कशन एंड कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो भी स्टेट का हाई कोर्ट है उस स्टेट के गवर्नर, ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स की कैबिनेट, सबसे कंसल्ट कर बाद में प्राइम मिनिस्टर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। द एज लिमिट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 इयर्स। दे कैन टेंडर रेजिग्नेशन एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट। अगर रेजिग्नेशन देना है तो प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव एनी ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैरिड आउट इन द पार्लियामेंट एन और प्रूविंग द चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट और मेल प्रैक्टिस ऑफ द जजेस, ठीक है। अगर वो रिजाइन ना करे, कोई ऐसे इश्यूज या तो रीजन होते हैं कि अगर कई बार 62 इयर्स की एज ना हो तो भी रिजाइन कर देते हैं कोई कारण से, ठीक है, और अगर वो रिजाइन ना करे तो 62
टू इयर्स तक वो अपना काम वहां पर कर सकते हैं, उनकी एज 62 इयर्स ना हो तब तक कर सकते हैं। पर बीच में अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि इनका काम ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है, मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसचीफ कर रहे हैं, या तो कोई लोग उनसे भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो इम्पीचमेंट मतलब कि मिनिस्टर्स की कैबिनेट में पूरा, जैसे हमने आगे देखा था ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाना हो तो सारे मिनिस्टर्स का वोट लेना पड़ता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी पर स्टेट लेवल पर होगी, ठीक है, सेम प्रोसेस कर यहाँ पर भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया जा सकता है अगर उनका काम सही से ना हो रहा हो तो, ठीक है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली बोल दे कि चलो हाईकोर्ट के जज को हटाना है, ऐसे नहीं हटा सकते, कैबिनेट मिनिस्टर के वोटिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पूरा पार्लियामेंट में क्या जाएगा उसका एक पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। द जजेस ऑफ द हाईकोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया, यहाँ के हाईकोर्ट गुजरात के हाईकोर्ट के जज को राजस्थान के हाईकोर्ट के जज भी बना सकते हैं, और राजस्थान के हाईकोर्ट के जज को दूसरे और स्टेट के हाईकोर्ट के जज बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने ही खुद के स्टेट के जज बनेंगे, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ जजेस इज नॉट द सेम इन ऑल दी हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है ना कि एक चीफ जस्टिस है और उसके अंडर कितने जजेस होते थे, 28, पढ़ो पढ़ो, द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस एंड 28 एडिशनल जजेस, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में वन चीफ जज है और 28 अंडर उसके छोटे छोटे जजेस होते हैं, वैसे ही हाई कोर्ट में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, चीफ जस्टिस एक होते हैं, ठीक है, उसके अंडर कितने जजेस हो गए ऐसा कोई हाई कोर्ट में फिक्स नहीं होता, ठीक है। इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट हैज इंक्रीज्ड देन ही कैन अपॉइंट एडहॉक इंचार्ज जजेस टू द हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट में था वैसा ही, अगर वर्कलोड ज्यादा लगे तो एडहॉक जजेस भी रख सकते हैं, वैसे ही यहां पर भी हाईकोर्ट में भी अगर वर्कलोड जजेस का ज्यादा लगे तो जितने जजेस है उससे ज्यादा एडहॉक जजेस को वो अपॉइंट कर सकते हैं फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। ऑल दी वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दी हाईकोर्ट इज कैरिड आउट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट इफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट पासिस द रिजोल्यूशन दैट द वर्क ऑफ द हाईकोर्ट ऑफ रिलेटेड स्टेट बी कैरिड आउट इन द लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, देन द वर्क ऑफ द हाईकोर्ट ऑफ द स्टेट कैन फंक्शन इन द लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। पहले से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का सारा काम इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता है, बट अगर उस स्टेट की कैबिनेट मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है, ठीक है, वो एक रेजोल्यूशन दे कि हमें हमारे स्टेट की लैंग्वेज में हाईकोर्ट चलानी है, तो वो रेजोल्यूशन पास होने के बाद वो हाईकोर्ट उनके स्टेट की लैंग्वेज में वो लोग चला सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वालिफिकेशन, जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पर्सन एलिजिबल फॉर टू बी अपॉइंटेड टू द हाई कोर्ट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव सर्व्ड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ऑन एनी ऑफ द जुडिशियल पोस्ट इन द लोअर कोर्ट ऑफ द इंडियन स्टेट, हाईकोर्ट के नीचे की जो लोअर कोर्ट होती है उसमें 10 साल तक उन्होंने काम किया होना चाहिए, एज अ लॉयर भी चलेगा, नॉट नेसेसरी कि जज तरीके से ही काम किया हो, ठीक है। शुड हैव एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन द हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में 10 ईयर्स तक एडवोकेट मतलब लॉयर की जॉब होनी चाहिए। शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और फेमस लॉ मेकर एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शुड बी बिलो 62 ईयर्स ऑफ एज, ऑब्वियसली 62 एज लिमिट है तो 62 ईयर्स से तो कम ही होनी चाहिए। द जज ऑफ द हाईकोर्ट हैज टू टेक एन ओथ ऑफ सेक्रेसी इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड साइन द कोरस्पॉन्डिंग प्लेज, सुप्रीम कोर्ट के जज है वो प्लेज किसके सामने लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने, वैसे ही हाईकोर्ट के जज स्टेट के गवर्नर के सामने अपनी प्लेज लेंगे, ठीक है, अपना ओथ लेंगे,
ओथ लेने के बाद अगर गवर्नर उस टाइम पर प्रेजेंट ना हो बाय एनी रीजन, कोई भी कारण की वजह से गवर्नर प्रेजेंट ना हो, तो अपनी जगह पर वो कोई दूसरे को भेज सकता है, बट वो गवर्नर ने अपॉइंट किया होना चाहिए, वो इंसान भी ओथ दिलवा सकता है। ओथ लेने के बाद पेज पर क्या करना होता है, साइन करना होता है। नाउ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन देखे थे हमने, वैसे ही हाई कोर्ट के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन। द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री ज्यूरिसडिक्शंस। फर्स्ट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इश्यू डायरेक्शंस, ऑर्डर और रिट्स, इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस टू एनी पर्सन, ऑथोरिटी एंड एनी गवर्नमेंट इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, इंडियन सिटीजन के मतलब कि स्टेट की जो हाई कोर्ट है उस स्टेट के सिटीजन के राइट्स अगर फॉलो ना होती हो, सिटीजन के हमारे कुछ राइट्स होते हैं ना, ठीक है, वो राइट्स फॉलो ना होता हो और किसी ने क्राइम किया है, या तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी आता है तो वो डायरेक्टली हाईकोर्ट उसे पनिश कर सकती है, ठीक है, अपना जजमेंट दे सकती है, दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। किसी से सलाह लिए बिना सुप्रीम कोर्ट जैसे देती है उसके जजमेंट को ध्यान में रखकर हाईकोर्ट अपना डायरेक्ट जजमेंट दे सकती है। ठीक है, द हाई कोर्ट हैज दी ऑथोरिटी इन द केसेस रिलेटेड टू कंपनीज, मैरिज, डाइवोर्स एंड एलिमनी, द केसेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लैंड रिव्यू एंड इट्स एम्बर्समेंट, लैंड रिफॉर्म्स एंड रिटर्न्स कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट इन द हाई कोर्ट। ठीक है, फैमिली कोर्ट जो हम बोलते हैं ना, वो भी हाई कोर्ट के अंदर ही आती है। मतलब कि स्टेट के छोटे बड़े सारे मसले कौन सुलझाता है, हाईकोर्ट सुलझाता है। किसी की जमीन किसी ने हड़पी, हम बोलते हैं ना आ तो ओनी जमीन हती, एने तो पोता नहीं करी लीधी, ठीक है, तो ऐसा कोई केस हो तो वो सारा सब कुछ किसके अंदर आता है, हाईकोर्ट के अंदर आता है। ऑल रीट पिटिशंस चैलेंजिंग द जजमेंट गिवन बाय लोअर कोर्ट ऑफ द सिविल एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स कैन बी मेड इन द हाईकोर्ट। हाईकोर्ट की, हाईकोर्ट से अंडर की जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उसके जजेस ने जो भी जजमेंट दिया है, मैंने आपको आगे बोला था ना कि अगर वो जजमेंट आपको मंजूर ना हो तो आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हो, फिर से पेटिशन ला सकते हो कि मुझे ये जजमेंट मंजूर नहीं है, मैं हाईकोर्ट में अपील करना चाहता हूँ या चाहती, ठीक है, तो डायरेक्ट वहां पर आप जा सकते हो। बट कंडीशन क्या है कि आप डायरेक्टली लेके नहीं जा सकते, आपको अपना एक लॉयर रखना पड़ेगा, वो लॉयर आपके बिहाफ में आपका पेटिशन वहां पर लेके जाएगा। ठीक है, दिस पेटिशन चैलेंजिंग द प्रोविजन प्रोवाइडेड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पहले उसे पूरा एग्जामिन किया जाएगा, फिर ही हाईकोर्ट में उसका पूरा केस की प्रोसीजर होगी। ठीक है, लोअर कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिए है वो अगर किसी भी सिटीजन को, क्रिमिनल हो या विक्टिम हो, वो देवा, ठीक है, किसी को भी नामंजूर है, उसने हाईकोर्ट में पेटिशन दी कि मुझे फिर से अपना केस शुरू करवाना है हाईकोर्ट में, ठीक है, हाईकोर्ट वो पूरा केस तभी करेगा उन्हें ऐसा लगे कि लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सही है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर केस पूरा खुल भी नहीं सकता, और अगर उन्हें ऐसा लगे कि हाँ कुछ चेंज किया जा सकता है तो ही पूरा केस फिर से खुलेगा। ठीक है, नाउ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, अंडर द एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट द कोर्ट हियर्स द पिटीशन अगेंस्ट द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस, एनी पिटीशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट। जो ऊपर देखा था वो ही, लोअर या तो ट्रिब्यूनल कोर्ट में अगर जजमेंट मंजूर नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नाउ इन केस अ सेशन कोर्ट हैज इश्यूड एनी जजमेंट पनिशिंग द एक्यूज्ड फॉर मोर देन 4 years, देन द पिटिशनर कैन चैलेंज द जजमेंट इन द हाईकोर्ट। अगर लोअर किसी भी हाईकोर्ट से, लोअर जो भी कोर्ट होती है उसने किसी भी क्रिमिनल को या तो किसी को भी 4 years से ज्यादा की पनिशमेंट दी है, ठीक है, 4 साल तक जेल में रहना है या 7 साल तक जेल में रहना है, वो टेबल,
ठीक है, तो फोर इयर्स से ज्यादा की पनिशमेंट दी है तो वो डायरेक्टली हाईकोर्ट में अपना पिटिशन कर सकते हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है। इफ एनी एक्यूज्ड इज गिवन अ कैपिटल पनिशमेंट बाय अ सेशंस कोर्ट इन अ केस ऑफ मर्डर फॉर विच अ लेस सीवियर पनिशमेंट इज इश्यूड बाय द लोअर कोर्ट देन इन सच कंडीशन द जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन द हाईकोर्ट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि 2 साल की सजा साथ में 2 लाख रुपए देने होंगे, ये कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। कोई पैसे पे करने होते हैं पनिशमेंट के रूप में, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल पनिशमेंट। तो ऐसे केसेस में भी लोग हाईकोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। द पेटिशनर हु इज अनसेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो अप्रोच The petitioner who is unsatisfied with the judgment of the tribunal can also approach a high court. अगर tribunal court के judgment से unsatisfied है तो directly high court पर जा सकते हैं। The high court has a power to decide upon important questions pertaining to law, including constitutional interpretation. ठीक है, constitutional interpretation मतलब कि अगर according to constitution काम नहीं हो रहा तो हाईकोर्ट डायरेक्ट उसे पनिश कर सकती है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन, ईच हाईकोर्ट हैज द अथॉरिटी एंड पावर टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल ऑफ द स्टेट और ऑफ इट्स रीजन। हाईकोर्ट के अंडर में जो भी स्टेट आते हैं उन सारे स्टेट के जो भी ट्रिब्यूनल या तो लोअर कोर्ट है उन सबका काम देखने का काम किसका है? हाईकोर्ट का। चाहे वो एक ही स्टेट की हाईकोर्ट हो, जैसे कि हमारी गुजरात की एक ही स्टेट की है, उसके अंदर कोई और स्टेट नहीं आता, ठीक है, क्योंकि गुजरात थोड़ा बड़ा स्टेट है, ठीक है। और ऐसे हमने आगे देखा कि आसाम की जो हाईकोर्ट है उसके अंदर कितने सारे स्टेट्स आते हैं, तो वो पूरा रीजन बोला जाएगा स्टेट में, ठीक है। तो हाईकोर्ट के तो हाईकोर्ट के अंदर जो भी स्टेट या तो जो भी रीजन आता है उसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी कोर्ट्स हो, लोअर कोर्ट्स हो या तो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हो, तालुका कोर्ट हो, सबका काम देखने का काम किसका है? हाईकोर्ट का, कि वो ढंग से उनका काम हो रहा है या नहीं। इफ द हाईकोर्ट फील्स इट इज नेसेसरी देन इट कैन आस्क केस पेपर्स फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड देन कैरी आउट द केस प्रोसीडिंग्स। अगर हाईकोर्ट को खुद को लगे, ठीक है, अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो जजमेंट क्रिमिनल और विक्टिम दोनों को मंजूर है, ठीक है, वो हाईकोर्ट में आगे नहीं जाते कि चलो ये ही है तो है, आगे हाईकोर्ट में नहीं जाना। बट हाईकोर्ट को वो केस देखने के बाद ऐसा लगे कि नहीं जजमेंट ठीक से नहीं हुआ है, तो किसी ने सामने पेटिशन ना किया हो तो भी हाईकोर्ट वो केस की प्रोसीडिंग फिर से खोल सकती है, ठीक है। द हाईकोर्ट कैन फ्रेम जनरल लॉज टू कंट्रोल द प्रोसीजर एंड फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट अंडर इट्स पावर, ठीक है, अपने अंडर की कितनी जितनी भी कोर्ट है उसे फंक्शनिंग ठीक से करवाने के लिए, ढंग से काम करवाने के लिए हाईकोर्ट अपने लॉज उसे दे सकती है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है। द हाईकोर्ट कैन डिसाइड क्राइटेरिया एंड ट्यूब्यूलर फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फीस। All these provisions should be in accord in harmony with the constitution. ठीक है, हाई कोर्ट अपना कोई भी डिसीजन दे सकती है अपनी से अंडर की कोर्ट को, बट वो सब कुछ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। द हाई कोर्ट कैन गाइड एंड डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द मैटर ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड एंट्रीज। द हाई कोर्ट ऑक्यूपाइज द प्लेस एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। द हाई कोर्ट पब्लिशिज इट्स जजमेंट्स डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। दीज जजमेंट्स एंड डिसीजंस आर बाइंडिंग एंड फाइनल फॉर दे कैन यूज दीज कोर्ट डिसीजंस एंड जजमेंट एज रेफरेंस बाय टेकिंग डिसीजंस ऑन वेरियस केसेस इन फ्यूचर। जैसे आगे हमें सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी पनिशमेंट या तो जजमेंट दिए है उसे फॉलो कर हाईकोर्ट अपना काम कर सकती है, वैसे ही हाईकोर्ट ने जो भी पनिशमेंट या तो जजमेंट दी है उन्हें फॉलो कर सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने जजमेंट दे सकती है,
ठीक है, कि इसके रिलेटेड ये केस था तो जो हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया था तो उसके अकॉर्डिंग सबोर्डिनेट कोर्ट भी ये वाला जजमेंट दे सकती है, उसे ध्यान में रखकर। द लॉयर्स यूज दीज पब्लिश्ड जजमेंट एंड डिसीजन एज सिटेशन वाइल प्लीडिंग देयर केसेस। द कोर्ट हैज अ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द हाईकोर्ट ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द सरखेज गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द हाईकोर्ट ऑफ एनी स्टेट देर आर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कोटा कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल एंड सर्टेन स्पेशल कोर्ट्स। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट, कंसिस्ट ऑफ अ सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट। हर एक स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट होती है, उनकी रेवेन्यू कोर्ट होती है, फैमिली कोर्ट होती है, दैट इज सिविल कोर्ट, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट अंडर इतनी सारी कोर्ट आती है। नाउ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, द अपॉइंटमेंट एंड प्रमिशन एनी इंडिविजुअल टू द पोस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज इज डन बाय द गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाईकोर्ट ऑफ दैट स्टेट। हाईकोर्ट से कंसल्ट कर स्टेट के गवर्नर है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकता है। जैसे कि अहमदाबाद में हाईकोर्ट तो है ही, पर अहमदाबाद की खुद की एक अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हमारे गुजरात के गवर्नर गुजरात की हाईकोर्ट को कंसिडर कर उनसे रेफरेंस लेकर, मतलब उससे बातचीत कर सलाह मशवरा लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। वैसे सारे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, बट बाय द रेफरेंस ऑफ द हाईकोर्ट, ठीक है ना। क्वालिफिकेशंस, अ पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिर्फ उसी स्टेट का सिटीजन हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो वो गुजरात के ही सिटीजन हो ऐसा जरूरी नहीं है, पूरे इंडिया में से किसी भी स्टेट के सिटीजन चल सकते हैं, बट इंडियन होने चाहिए, गुजराती हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड पोजेस अ प्रैक्टिस एज अ एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, 7 साल तक की तो एज अ एडवोकेट उनकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। एन ऑफिसर इन द जुडिशियरी ऑफ आइदर द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। लॉयर की 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे सेंट्रल लेवल पर या तो स्टेट लेवल पर उन्होंने काम किया होना चाहिए। ऑल दी अदर जजेस अदर देन दी डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय दी गवर्नर और दी हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में छोटे, जैसे आगे सुप्रीम कोर्ट में कितने थे, 28 जजेस थे, हाई कोर्ट में भी फिक्स कोई नंबर नहीं होता, वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कोई नंबर फिक्स नहीं होता, बट अंडर में थोड़े बहुत जजेस छोटे छोटे होते हैं, उन्हें भी अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नाउ द जज हु हैंडल्स द सिविल सूट्स इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द जज हु हैंडल्स द क्रिमिनल केसेस इज कॉल्ड द सेशंस जज, ठीक है। A district court hears the petitions challenging the judgment of the lower court under it. Lower court के judgment को अगर petition किया गया है district court के under भी tribunal court, तालुका court ऐसी छोटी छोटी court आती है ना, अगर उनके judgment को उससे कोई satisfy ना हो तो फिर ऊपर district court में petition अपना file कर सकते हैं। All the civil suits of rupee 1 lakh or more either by the governor or against the government are carried out in the district civil courts. The judge of the district court has the power to run the cases of marriage, divorce, alimony, reforms and cases of parental custody. The criminal courts include session court, first class judicial magistrate court, second class judicial magistrate court, मामलतदार एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट।
These courts have a power to give punishment of imprisonment ranging from 3 to 10 years and a penalty up to ₹5,000 or more. In case of a murder, the court can give capital punishment, lifetime imprisonment and life sentence. Life sentence का मतलब क्या होता है? लाइफ सेंटेंस देना मतलब कि फांसी की सजा देना, मौत की सजा किसी भी तरीके से, ठीक है ना. अपार्ट फ्रॉम दिस इन अ डिस्ट्रिक्ट देर आर स्मॉल कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट टू. फॉर द केस पर्टेनिंग टू लैंड रिव्यू देर इज रेवेन्यू कोर्ट एंड फॉर द डिस्प्यूट ऑफ द लेबरर्स देर इज अ लेबर कोर्ट. ठीक है, लैंड के रिलेटेड कोई इश्यू हो तो उसके लिए रेवेन्यू कोर्ट है. ठीक है, फिर लेबर्स मतलब कि वर्कर्स के रिलेटेड कोई इश्यू हो तो उसके लिए लेबर कोर्ट है. ठीक है, लेबर कोर्ट अलोंग विद अदर ट्रिब्यूनल्स. एज पर एग्जांपल अ ट्रिब्यूनल फॉर कंपेंसमेंट व्हीकल एक्सीडेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस एंड अदर राइट्स ऑफ द टीचर्स एंड प्रोफेसर्स देर इज अ गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल्स फॉर रिकवरिंग डेब्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट, कंज्यूमर्स राइट प्रोटेक्शन फोरम. ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए. जैसे कि देखो एक्सीडेंट के, व्हीकल एक्सीडेंट के रिलेटेड कोई केस हो तो उसके लिए भी अलग ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है. फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस एंड अदर राइट्स ऑफ द टीचर्स एंड प्रोफेशनल्स प्रोफेसर्स देर इज अ गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल. ठीक है, अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है. ठीक है, these tribunals function like a court and help the cases wherein the practitioners recover their losses and receive compensation. In each district there is a fast track court with an objective to run a case faster. For hearing the case of Kota there are Kota courts in Gujarat. All these courts have gathered importance by decentralizing their administration and function independently, firmly and lawfully. People have started taking all the benefits and have become aware. ठीक है, ये कोर्ट अलग अलग बिल्डिंग नहीं होती कोर्ट की. ये जो छोटी छोटी अलग अलग ट्रिब्यूनल कोर्ट बोली है, हर एक चीज के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल कोर्ट, तो हर एक कोर्ट हर एक की अलग अलग बिल्डिंग नहीं होती. एक ही बिल्डिंग में बड़े बड़े हॉल जैसे बनाए जाते थे. एक में सिविल ट्रिब्यूनल कोर्ट चलता है, तो एक में व्हीकल एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट चलता है, तो एक में दूसरा ट्रिब्यूनल कोर्ट चलता है. सबके लिए अलग अलग बिल्डिंग बनाने चाहेंगे तो कितनी जगह चाहिए होगी. ठीक है, अलग अलग सिर्फ होल्स बनाए जाते हैं, उसमें वो चलता है पूरी एक ही बिल्डिंग. ठीक है ना, लोक अदालत. गुजरात स्टेट इज फर्स्ट टू स्टार्ट लोक अदालत टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू द पुअर वीक एंड एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अंडर दिस द कोर्ट प्रोवाइड्स फ्री सपोर्ट एंड गाइडेंस थ्रू लीगल एड सर्विस सेंटर सिचुएटेड इन अहमदाबाद. लोक अदालत फंक्शन वॉल्यूंटरी इवन ऑन संडेज एंड हॉलीडेज एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका हेडक्वार्टर्स एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पेटिशनर्स. ये लोक अदालत है वो संडे के दिन भी चल सकती है और गवर्नमेंट हॉलीडेज के दिन भी चल सकती है. ठीक है, द लोक अदालत जनरली हियर द केसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड इज रिलेटेड कंपेंसेशन डाइवोर्स एलिमनी जनरल डेथ पर्सनल कंप्लेंट्स पोलिस कंप्लेंट्स एटसेट्रा. लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ एडवोकेट्स सोशल वर्कर्स एजुकेशनिस्ट रेप्यूटेड सिटीजन्स बिजनेसमैन पोलिस ऑफिसर्स इंश्योरेंस ऑफिसर्स जजिस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स. हेंस केसेस आर सेटल्ड एमिकेबली सच देट बोथ दी पार्टीज आर सेटिस्फाइड. कोर्ट तक जाना ही नहीं पड़ता, लोक अदालत में ही दोनों पार्टी के केस क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं. बट दोनों पार्टीज जिन दोनों पार्टी के बीच में केस चल रहा है वो सेटिस्फाई होने चाहिए. सेटिस्फाई ना हो तो फिर वो आगे कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक है, कोई उसे पकड़ के नहीं रखता कि आप नहीं जा सकते. द केसेस कोर्ट इन द लोक अदालत आर नाइदर वन नोर लॉस. लोक अदालत सेव टाइम एंड मनी. मेनी पेंडिंग केसेस आर सोल्व. ऑल दी जजमेंट्स ऑफ द लोक अदालत आर बेक्ड बाय द लॉ. मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. द
Therefore, the Lok Adalats have become a center of attraction. Independence of judiciary. The Indian Constitution has kept the judiciary independent, firm and fearless from the legislature and the executive for the protection of the fundamental rights of the citizens, for the social, political and economical equality and for providing judges. मतलब कि हमारा जो jurisdiction है वो सबको independent रखता है और सबको equal rights देता है. ना ही कोई बड़ा है, ना ही कोई छोटा है, ना ही कोई अमीर है, ना ही कोई गरीब है, ठीक है. और सबको अपनी इंडिपेंडेंसी देता है, कोई किसी के अंडर नहीं रहेगा. जो कोई चाहे अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता है, जहाँ चाहे वहाँ काम करने के लिए अप्लाई कर सकता है. फिर उसे वो काम मिले ना मिले, दैट इज डिफरेंट. कोई कंपनी उसे काम नहीं देना चाहती तो वो कंपनी के ऊपर, बट काम करने के लिए अप्लाई हर जगह वो कर सकता है, ठीक है. द जुडिशियरी शुड नॉट बी इंक्लाइंड और बायस्ड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. जुडिशियरी है वो गवर्नमेंट की तरफ ही अपने सारे डिसीजन दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, पे स्केल्स, ट्रांसफर, प्रमोशन, रिटायरमेंट एटसेट्रा इज टेकन केयर ऑफ बाय द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. द जजेस आर अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. द एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट रिमूव एनी ऑफ द जजेस ड्यू टू देयर विल और एनी पॉलिटिकल प्रेशर. किसी भी जज को कोई भी एग्जीक्यूटिव का मेंबर रिमूव नहीं कर सकता. पूरा पार्लियामेंट में इंपीचमेंट पास होगा, फिर प्रेसिडेंट ही उन्हें रिमूव कर सकते हैं. द पे स्केल, द टर्म ऑफ सर्विस, प्रमोशन, ट्रांसफर, बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन, पेंशन फंड ऑफ द जजेस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस ऑफ द जजेस एनी ऑफ देयर बिहेवियर और देयर जजमेंट्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिकली रिव्यूड इन द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, कोई भी जज ने, कोई भी कोर्ट के जज ने अपना जो भी डिसीजन दिया है वो लोकसभा में या तो पार्लियामेंट में कभी भी डिस्कस नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर उसके जो भी जज ने डिसीजन दिया है, ठीक है, वो कोई पार्टी को अगर सेटिस्फाई उससे ना हो, जिसे भी पनिशमेंट मिली है या तो वोट है उससे सेटिस्फाई ना हो, तो हायर लेवल की कोर्ट पर वो लोग पिटीशन फाइल कर सकते हैं. बट कोई कहां कहीं पर भी उनके जजमेंट को ओपोज नहीं किया जा सकता है, या तो उसके बारे में पूरा डिस्कस नहीं किया जा सकता है. ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस ऑफ द जजेस एनी ऑफ देयर बिहेवियर और देयर जजमेंट्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिकली रिव्यूड इन द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली. द जजेस आफ्टर देयर रिटायरमेंट कैन नॉट कैरी आउट देयर प्रैक्टिस इन एनी ऑफ द कोर्ट्स. जजेस, कोई भी कोर्ट का जज है वो रिटायर होने के बाद किसी और कोर्ट में अपना काम नहीं कर सकता. ठीक है, नाउ द पर्पस इज टू एम्पावर द जजेस टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज फियरलेसली, ऑनेस्टली, सेल्फ रिलायंटली, इंडिपेंडेंटली एंड फर्मली, सो दैट द जजेस कैन इम्पार्ट ट्रू, ट्रांसपेरेंट एंड क्विक जस्टिस. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द जुडिशियरी एंड इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड यूनिफॉर्म प्लेस. द केसेस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, द क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू पब्लिक वेलफेयर कैन बी रिटर्न ऑन अ सिंपल पोस्ट कार्ड और एन ऑर्डिनरी लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट. पब्लिक के वेलफेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो एक सिंपल पोस्ट कार्ड में या तो एक पेज में लिखकर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हो. इन द पास्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज ट्रीटेड सच मैटर्स एज पिटीशंस एंड हैज गिवन ट्रेंड सेटिंग जजमेंट. पास्ट में ऐसा हुआ है कि अगर किसी ने ऐसे पोस्ट कार्ड लिखकर या तो लेटर लिखकर पेज में सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके केस को कंसीडर भी किया है और अपना जजमेंट भी दिया है. दिस हैज प्रूव्ड द विजिलेंस ऑफ द जुडिशियरी इन द पब्लिक. इसकी वजह से पब्लिक में जुडिशियरी के खिलाफ जो भरोसा है वो बढ़ता जा रहा है. जुडिशियरी पे लोग भरोसा ज्यादा कर रहे हैं.
एज एट प्रेजेंट देर आर अबाउट 3.5 crore पेंडिंग केसेस इन आर जुडिशियरी. इनसफिशियंट नंबर ऑफ कोर्ट्स जजेस एंड स्टाफ इज द रीजन इन द डिले इन जस्टिस. द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन द टास्क ऑफ रिफ्रेमिंग 1,500 ओल्ड एंड इरिलेवेंट लॉज. ठीक है, अभी भी पूरे इंडिया में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं? 3.5 crore. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनफ कोर्ट नहीं है, इनफ जजेस नहीं है, इसीलिए जजमेंट देने में क्या लगता है? देर लगती है. ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर.